लोगों लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम का चैप्टर, जो 12th क्लास का मैक्रो का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इस पूरी यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पढ़ना कौन सा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर के अंदर कोई और टॉपिक कहीं और से ले लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे जिनका आगे जाके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, जिसलिए हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एग्जाम में इसकी वेटेज 3 मार्क्स की है, 3 मार्क्स में इसका डिफरेंस आता है या फिर इसके एग्जाम्पल होते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। और इस बार से तो आपके 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो ये 1 मार्क्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? कुछ हमारे हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, तो उनके लिए हमने हिंदी में लिख दिया है, जिसको हम कारक आय या फिर साधन आय बोलते हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमेशा प्रोडक्टिव नेचर की होती है। प्रोडक्टिव नेचर का मतलब, यानी अगर कोई भी पैसा हमारे पास आएगा तो उसके बदले हमने कोई या तो सर्विस दी होगी या फिर कहीं ना कहीं कोई गुड्स दिया होगा। यानी गुड्स और सर्विस के बदले जो भी इनकम जनरेट होती है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। यानी यहां पर अगर मुझे पैसा मिलेगा तो उसके बदले या तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं डॉक्टर हूं तो मैं आपका इलाज कर रहा हूं, मैं लॉयर हूं तो मैं आपका केस हैंडल कर रहा हूं, या फिर मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं। तो ऐसी इनकम जो 2 साइडेड होती है, जिसके अंदर कोई सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड की जाती है उसके अगेंस्ट इनकम ली जाती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर है? फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जिसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। यही वो इनकम है जिसको हम नेशनल इनकम के अंदर हमेशा इंक्लूड करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट। जैसे रेंट, कोई अगर आपको अपना घर किराए पे देता है तो उसके बदले आप उसको रेंट देते हो, तो उसकी जो इनकम हुई वो फैक्टर इनकम है। ऐसे कोई एम्प्लॉई है जो एम्प्लॉयर के लिए जॉब करता है तो उसके बदले उसको वेजेस मिलते हैं। ऐसे ही कोई एम्प्लॉयर है वो अपना वर्क करता है उसको उसके बदले प्रॉफिट मिलता है। तो इस सभी तरह की इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसके अगेंस्ट में है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जो बिना किसी प्रोडक्टिव नेचर की होती है। यानी यहां पर कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं होती। यानी हमने मैंने आपको कोई सर्विस नहीं दिया उसके बदले मुझे कोई पैसा मिल गया, ऐसी इनकम को बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो पॉकेट मनी देते हैं उसके बदले क्या आप कुछ करते हो उनके लिए? नहीं करते हो, फिर भी आपको पैसे मिलते हैं, तो ऐसी इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इस टाइप की इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जैसे ओल्ड एज पेंशन, यानी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, अब वो देश के लिए किसी भी प्रोडक्टिव नेचर का काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उन्हें इनकम देती है, तो इस टाइप की इनकम को बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप, आप पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके लिए देश में आपने कोई प्रोडक्टिव नेचर का काम नहीं किया, कोई सर्विसेज भी नहीं दी है, कोई गुड्स भी नहीं दिया, फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। जैसे आप रोड पे जाते हैं आपको भिखारी मिलेगा, आप भिखारी को भीख देते हैं तो उसके बदले आपको कुछ देता है वो? अब ये मत कहते ना आपको दुआ देता है वो आपको कुछ नहीं देता। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। हमारा अगला टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंस में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, और अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके एग्जांपल्स को 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स की तरफ। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है, मतलब ऐसे गुड्स जो फाइनली यूज किए जाते हैं। किसके थ्रू? या तो अपने कंज्यूमर्स के थ्रू या फिर अपने प्रोड्यूसर्स के थ्रू। ये ऐसी गुड्स होती है जिनका या तो हम कंजम्पशन करते हैं या फिर इनको हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज करते हैं। आइए जरा इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आप अपने घर में शुगर, मिल्क, क्लॉथ, शूज, अपने लिए बाइक, कार, बहुत सारी चीज परचेज करते हैं,
उन सब का फाइनल यूज कौन करता है? आप लोग करते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गई? फाइनल गुड्स हो गई, क्योंकि इसका फाइनल यूज आपने किस पर्पज से किया? कंजम्पशन पर्पज से किया। आप तो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी फर्म अगर एसी परचेज करती है, टूल्स परचेज करती है, मशीनरी परचेज करती है, तो वो किस पर्पज से कर रही है? इन्वेस्टमेंट पर्पज, ठीक है, उससे ताकि वो प्रोडक्शन करेगी किसी और गुड्स का। तो ये ऐसी गुड्स होती हैं जो फाइनली अपने फाइनल यूजर्स के थ्रू यूज की जाती है, या तो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स को हमेशा हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इनकी वैल्यूज को ही हम हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स क्या और है? शुगर परचेज बाय हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड अगर शुगर परचेज करता है तो शुगर को वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि वो अपने लिए या तो दूध में डाल के पिएगा या फिर उसकी वो चाय बनाएगा। इसी तरह से कोई मशीन परचेज करते हैं अगर फर्म, तो ये फर्म क्या करेगी? उस मशीनरी से प्रोडक्शन करेगी किसी और गुड्स का। तो मशीनरी को यूज कौन कर रहा है? वो फर्म यूज कर रही है। तो मशीन फर्म के लिए क्या है? फाइनल गुड्स। इसी तरह से ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल्ड होते हैं तो वो ऑफिस के लिए फाइनल गुड्स है। ऑफिस में एसी लगा है तो एसी फर्म के लिए फाइनल गुड्स है। एक बात को हमें यहां ध्यान देना है, इन गुड्स को कभी भी रीसेल नहीं किया जाता और इन गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता। यानी अगर हम इन गुड्स से दोबारा से प्रोडक्शन नहीं करते किसी और चीज के लिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जिससे आपको ये सब चीजें और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी, और आपके डाउट्स होंगे तो उसका मैं आपको आंसर वीडियो के बाद देता रहूंगा। अगला है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो या तो रीसेल पर्पस के लिए यूज की जाएंगी या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाएंगी। अब यार ये कौन सी गुड्स हो गई? आइए जरा इसको हम थोड़ा और से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक टी स्टॉल है, चाय बनाने वाला है, वो क्या करता है? दूध खरीद के लेकर आता है, शुगर चीनी खरीद के लेकर आता है। तो वो दूध क्या अपने लिए यूज करेगा, चीनी अपने लिए यूज करेगा? नहीं, क्या करेगा? उसकी वो चाय बनाएगा। तो उसने उस मिल्क और शुगर को किस लिए यूज किया? किसी दूसरी गुड्स में प्रोडक्शन करने के लिए। यानी उसने क्या करा? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उस गुड्स को यूज किया। तो वो गुड्स उसके लिए क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। जैसे कोई बेकरी है, वो बिस्किट्स बेचते हैं बेकरी वाले, तो वो बिस्किट्स वो क्या करेगा? अपने लिए यूज करेगा नहीं, वो बिस्किट्स को खरीद के लाया और उसको वो वापस किसको देगा? कंज्यूमर को। तो क्या करा उसने? रीसेल किया। यानी उसने अपने लिए यूज नहीं किया बल्कि रीसेल कर दिया किसी और को। तो वो गुड्स उसके लिए क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड्स हुई। यानी जो भी गुड्स या तो उनका फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है या फिर उनका प्रोडक्शन पहले से ही होता है उसको रीसेल किया जाता है, तो वो क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स होती है। इन गुड्स की वैल्यू को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। अब जो ये डेयरी शॉप है, इसने मिल्क परचेज किया किस लिए? किसी और को सेल करने के लिए। इसलिए ये गुड्स उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। वुड परचेज बाय कारपेंटर। कारपेंटर ने लकड़ी लेकर आया किस लिए? ताकि वो उसको ट्रांसफॉर्म करके कोई भी फर्नीचर बनाएगा और उसको रीसेल कर देगा किसी और को, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे समझना है। इनकी 3 मार्क्स में वेटेज है और 1 मार्क्स में भी एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के थ्रू आ सकता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, इसके असाइनमेंट में आपको बाद में दूंगा।